हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैजिक टूल को कैसे इनेबल किया जाता है। जी हाँ, यू डिक्शनरी के मैजिक टूल को इनेबल करने की पूरी प्रोसेस आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे कि मैजिक टूल कैसे काम करता है और मैजिक टूल क्या होता है। यू डिक्शनरी का ये जो मैजिक टूल है, मैजिक टूल ट्रांसलेट करने का काम करता है। किसी भी लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में या अपनी लैंग्वेज को किसी भी अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम करता है। तो आप देख सकते हैं ये जो मैजिक टूल का एक नज़र आ रहा है, यहाँ से इस मैजिक टूल को आप ड्रैग करेंगे तो ये इंग्लिश को हिंदी में यहाँ पर ट्रांसलेट कर रहा है। तो आप देखिए किस तरह से ये मैजिक टूल वर्क करता है। तो मैजिक टूल ऑटोमेटिक लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का काम करता है। तो यहाँ पे हमने इसको ड्रैग किया और ड्रैग करके हमने देखा कि ये इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा है। तो हम जिस भी पैराग्राफ पे सेंटेंस पे हम इस मैजिक टूल को ले जाके ड्रैग कर रहे हैं तो उसको ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, ये ऑटोमेटिक ट्रांसलेट करने का काम कर रहा है। तो ये काम होता है मैजिक टूल का। तो मैजिक टूल को इनेबल करने की प्रोसेस हम जानते हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और वीडियो के लास्ट में कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा ये आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए हम जानते हैं मैजिक टूल को किस तरह से इनेबल किया जाता है। तो गाइज, आपको करना क्या है, आपको अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है। आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाइएगा और प्ले स्टोर में जाकर आपको एक एप्लीकेशन टाइप करना है जिसका नाम है यू डिक्शनरी। सिंपली आपको यू डी टाइप करना है तो ये स्टार्टिंग में ही डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसका कुछ इस तरह से आइकन नज़र आएगा। तो यू डिक्शनरी सिंपली आपको इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। तो यू डिक्शनरी को आपको अपने एंड्रॉइड मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है, इसको डाउनलोड कर लेना है। उसी के बाद यू डिक्शनरी के अंदर आपको मिलेगा एक मैजिक टूल। तो ये यू डिक्शनरी आपकी डाउनलोड हो जाएगी, इंस्टॉल हो जाएगी। तो सिंपली आपको यहाँ पे इसको ओपन कर लेना है। यू डिक्शनरी को आप ओपन करेंगे तो कुछ यू डिक्शनरी का इंटरफेस इस तरह से आपको नज़र आएगा। तो ये यू डिक्शनरी है, ये ओपन हो रही है। तो यू डिक्शनरी को ओपन करने के बाद आपको इसमें कुछ सेटिंग्स करना है। तो आपको यहाँ पे सिंपली स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। तो यू डिक्शनरी को ओपन करने के लिए आप स्टार्ट पे क्लिक करके आप आगे बढ़ते जाइए और वन बाय वन कुछ परमिशंस मांगेगा तो आपको उनको डन करते जाना है। तो यहाँ पे आप डन पे क्लिक करिए तो कुछ इस तरह से इस यू डिक्शनरी का इंटरफेस नज़र आएगा। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। तो आपको अपनी नेटिव लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है और आपको वो लैंग्वेज सेलेक्ट करना है जिस लैंग्वेज को आपको ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ से हम इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो यहाँ पे हम ले लेते हैं हिंदी। तो हिंदी आपको ऐसे मिल जाएगी। तो आप अगर इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, आपकी लैंग्वेज हिंदी है, तो आप यहाँ से हिंदी चूज़ कर लीजिएगा तो ये इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेगा। यदि आप चाहते हैं कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए तो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको पहले यहाँ पे ये जो लैंग्वेज है आपको यहाँ पे हिंदी चूज़ करना होगी। इस हिंदी ही नहीं, इसके अलावा आप कोई भी लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे एटलीस्ट 78 लैंग्वेजेस आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे डच है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, कोई भी लैंग्वेज है, तो आप उस लैंग्वेज को यहाँ से ले लीजिएगा जो सोर्स लैंग्वेज है और उस जिस लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना है वो लैंग्वेज आप यहाँ पे ले लीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैंने यहाँ से इंग्लिश से हिंदी को चूज़ कर लिया है। ठीक है, इसके बाद आपको करना क्या है, आपको इसकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के लिए यहाँ पे जो थ्री ऑप्शन नज़र आ रहा है, थ्री ऑप्शन में से आपको ये बॉटम में राइट साइड जो ऑप्शन है इस पर सिंपली क्लिक कर देना है और क्लिक करके यहाँ पे आपको सेटिंग में चले जाना है। तो आप सेटिंग में जाइएगा और सेटिंग में जाके आपको यहाँ पे मिलेगा एक मैजिक टूल। जी हाँ, जिस टूल्स के बारे में हम बात कर रहे थे, जिस टूल्स को हम इनेबल करने के बारे में आज हम जान रहे हैं, तो वो यही टूल है, मैजिक टूल। तो इस मैजिक टूल पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो मैजिक टूल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये इनेबल के लिए पूछेगा। तो आपको इनेबल मैजिक ट्रांसलेट, तो यहाँ पर इसको इनेबल करना है। तो इनेबल करने से पहले आप नीचे और देखिए कुछ ऑप्शंस आपको नज़र आ रहा है, योर नेटिव लैंग्वेज और लैंग्वेज टू बी ट्रांसलेट। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ये देखना है कि आपकी लैंग्वेज क्या है। आपकी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है तो आपको यहाँ से आपकी लैंग्वेज यहाँ पे हिंदी चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे आप अपनी नेटिव लैंग्वेज हिंदी ले लीजिएगा। इसके बाद लैंग्वेज टू बी ट्रांसलेट, तो जो लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है तो उस लैंग्वेज को चूज़ करना है। तो यहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश शो हो रहा है तो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। तो आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है तो आप नीचे यहाँ पे इंग्लिश कर सकते हैं और ऊपर यहाँ पे आप हिंदी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है योर नेटिव लैंग्वेज, तो यहाँ पे मैंने हिंदी कर लिया है और लैंग्वेज टू बी ट्रांसलेटेड ये इंग्लिश होगी। मतलब ये इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा क्योंकि अपनी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है। तो जो इंग्लिश है, इंग्लिश को ट्रांसलेट करके हिंदी में किया जाएगा। तो इस तरह से अब हम बात करते हैं इसको इनेबल करने की। तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है इनेबल करने के लिए। तो ये कुछ परमिशंस मांगेगा। तो परमिशंस में आप देखिए यहाँ पे स्टार्ट इन बैकग्राउंड, तो यहाँ पे चिक लगेगा। उसके बाद डिस्प्ले ओवर अदर ऐप, तो आपको इसको भी ऑन कर लेना है, इसको भी परमिशन दे देना है। तो परमिशन ये मांगेगा तो आपको परमिशन यहाँ पे इसको दे देना है। तो यहाँ पे परमिट ड्राइंग ओवर द ऐप्स ये आ रहा है, आपको यहाँ पे परमिशन दे देना है। ठीक है, इसके बाद आपको बैक आ जाना है और बैक आने के बाद फ्रेंड्स आपको एक और जो मेन ऑप्शन है इसका एक्सेसिबिलिटी, तो इसको भी आप परमिशन आपको यहाँ पे दे देना
देना है, इसको भी आपको ऑन कर लेना है। तो एसेसिबिलिटी को भी आपको ऑन कर लेना है। जब एसेसिबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे यू डिक्शनरी के ऑप्शन को सर्च करना है। तो आपको यहाँ पे देखना है यू डिक्शनरी यहाँ पे नजर आ रहा है, तो आप इसको ऑफ को ऑन कर लीजिएगा। जी हाँ, कुछ परमिशन आपको यहाँ से पूछी जाएंगी, तो आप इन सभी को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा मैजिक टूल ऑन हो गया। अब इस मैजिक टूल को आप चेक कर सकते हैं कि ये किस तरह से मैजिक टूल वर्क करता है। तो आप मैजिक टूल को चेक करने के लिए आप कोई भी टेक्स्ट पे जाइए और ये मैजिक टूल जो है उस पे आप जहाँ पे सिंपली क्लिक कर दीजिए। तो देखिए, ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक ये ट्रांसलेट कर रहा है। तो हमने यहाँ पे नेटिव लैंग्वेज हिंदी ली थी, तो ये इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से मैजिक टूल वर्क कर रहा है। ये बड़े से बड़े पैराग्राफ को, छोटे छोटे पैराग्राफ को ट्रांसलेट कर देगा। आपको कुछ नहीं करना है, इसको ड्रैग करके ले जाके आपको छोड़ देना है। तो बिल्कुल जस्ट कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर देगा। तो आप यहाँ पे भी ले जाके इस पर ड्रैग करके इसको छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक ये ट्रांसलेट कर देगा। तो ये था मैजिक टूल। आई होप दैट आपको ये टूल्स और ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।